राम राम जी। यार क्या मजा आ रही है, आ रही है कि वैसी पकड़ कट रहा है। अरे मैं बताता हूँ एक बड़ी टॉप की चीज़ भाई, अखबार में नाम आ गया, मजा आ गई इस बार तो। यार कभी पंजाब के सर, हिंदुस्तान टाइम्स ना, भारत टाइम्स की भी नहीं सोची थी, सीधा जापान टाइम्स पे नाम आ गया, और वो भी बहुत बड़ी फोटो के साथ भाई, स्वाद आ गए। अब दिक्कत क्या है कि अखबार में नाम तो आ गया, पर वो साला अखबार मेरे पास ही नहीं है, मुझे ही नहीं मिल रहा है यार। मैं तो रहता हूँ गांव में, या दुकान वुकान पे सारे जापानीज अखबार मिलते हैं। मेरा इंग्लिश वाले में नाम आया ना, तो इंग्लिश वाला तो यहाँ मिलता ही नहीं है, दिखा दूंगा अभी कन्वीनियंस स्टोर में। और ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने देख लिया, पर यार इंटरनेट पे तो वो फील नहीं आते, तब तक पूरा कोरा कागज हाथ में नहीं आता, एकदम शकल छपी हुई, मज़ा नहीं आता। निकल गया ऑफिस से मस्त, अब जल्दी घर जाओ, वॉक करते करते 20 मिनट, उसके बाद सामान वामान अपना सेट करो, पैक करो थोड़ा बहुत, और उसके बाद जाएंगे हम ओसाका अपना अखबार लेने। आ गया घर, कपड़े वपड़े चेंज करके मुंह धो के मस्त, आज तो खाना भी नहीं बनाना, कोई काम वाम नहीं करना, आज चलेगी पार्टी, बस मेरा अखबार मेरी आंखों के आगे आ जाए, अपनी फोटो देख लो उसमें एक बार, तब जीऊंगा चैन की सांस। कल पूरे जापान की छुट्टी, कहीं जाने वाला तो है नहीं, ऑफिस भी बंद है। कल वो नेशनल फाउंडेशन डे है यहाँ पर, 11 फरवरी को होता है वो, अभी 2021 साल चल रहा ना, 2021 पीछे कर लो जीरो, और उसके बाद 600-650 साल पहले बंदो टाइम में, बहुत पुराने टाइम में जापान की स्थापना हुई थी। तो नेशनल फाउंडेशन डे है 11 फरवरी को, हर साल आता है, छुट्टी होती है, मौज बनाएंगे। आ गया बस ये वाली बिल्डिंग है, मेरा अखबार जिस पे मेरी बड़ी सी फोटो है, पहली बार देखूंगा लाइफ में यार, अजीब सी मतलब होते हैं, दिल में लुप लुप सी हो रही है। हाँ भाई कहाँ है मेरा अखबार, वो बढ़िया खुशबू आ रही है। ओ पन्नी पैक है, जापान टाइम्स, ओ न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इसको काम की चीज दिखाओ, क्या है म्यांमार में ये हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में ये हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ओ तेरी तू खूब बड़ी आई है यार, इतनी बड़ी फोटो मेरी अखबार में, कौन है लड़का। अखबार में फोटो इतनी बड़ी, वो भी जापान टाइम्स, भाई ने कर दी मौज, मजा आ गया यार सच में। पहली बार बचपन में जैसे मम्मी अखबार में रोटी वोटी बांध के दे देती थी, परांठे परांठे स्कूल के लिए, तो भगवान कसम मैं सोचता था कि यार ये किसी की फोटो वोटो छपती है, इन पर रोटी खाते हैं हम, तो इनको कैसा लगता होगा, और ये कैसे लोग होते हैं जिनकी अखबार में फोटो छपती है। अब यार मेरी भी छपकी, मजा आ रहा, घर वाले बहुत राजी होंगे, और यार किसी फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना उनके बच्चे की, यार फोटो अखबार में आ जाए, कितनी खुशी होती है उनको यार। ये सब कोई भी कर सकता है भगवान कसम, मैं कर सकता हूँ ना, कोई भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और सही बताओ यार खुशी होती है ना, इतनी ज्यादा खुशी होती है ना भगवान कसम, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ अखबार लेके, पढ़ रहा हूँ कहीं भी बैठ के, और देखता कोई देखेगा देखेगा, पर ऐसा कोई देखता व्यक्ता है नहीं। इसमें अखबार में लिखा हुआ ये कि पहले क्या होता था, जापान में जो ब्लॉगिंग वगैरह करते थे, जो वीडियो वगैरह बनाते थे ना, वो सिर्फ अंग्रेज बनाते थे या फिर जापानीज यूट्यूबर बनाते थे, तो पूरा आपको पूरा फोकस था वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के लोगों का और जापान के जो लोग थे। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि बाकी अलग अलग देशों से भी लोग जापान में रहते हैं और वो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उसमें हिंदुस्तान का नाम आया और उसमें मेरा नाम आया, बहुत स्वाद आ रहे हैं अब तो। और यार सच में जिन्होंने भी सब्सक्राइब कराया ना, जिन्होंने भी बटन दबाया और जो जो भी वीडियो लाइक करते हैं,
उसको सच में भाई हाथ जोड़ के कतई कलेजे से थैंक यू यार, अब तो मौज दिला दी भगवान कसम। और जिन्होंने नहीं कर रखा वो आराम तक कर लेना बाद में यार, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, अब तो अखबार में फोटो वोटो भी आ रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।